हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर उपस्थित हूँ मिश्रण के नियम से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है। मैं जो भी अपने सीरीज में क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, सभी एक्सेप्शन टाइप के वैसे क्वेश्चन जो थोड़ा लॉजिकल होते हैं और तुरंत बन जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को छोड़ते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। एक व्यक्ति 18 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर किस अनुपात में पानी मिलाया कि मिश्रण को 24 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, रुपये छूट गया है, की दर से बेचने पर 50% का लाभ हो। तो जब भी हम मिश्रण का नियम प्रयोग करेंगे तो मूल्य से रिलेटेड में हम क्रय मूल्य का यूज करेंगे। तो यहाँ मिश्रण का मूल्य जो है, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्रय मूल्य मिश्रण का निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, थोड़ा सा चलिए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं सीपी। तो 24 है, क्रय मूल्य फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 100/150। 50 तो नहीं, 50 × 3 = 24, 16 रुपया हो गया ये। अब ध्यान रखना है क्या, पानी मिलाया जा रहा है, इसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो ये मेरा ओरिजिनल दूध जो है 18 रुपये प्रति लीटर है, मिश्रण का मूल्य अभी अब 16 हो जाता है, और यहाँ पानी का मूल्य 0 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। 16 को डिलीट करते हैं, इसको ऐसे यहाँ से इसे घेरते हैं मिश्रण का प्रयोग करने के लिए। तो 16 और 0 का अंतर यहाँ से 16 होगा, 18 16 का अंतर 2 होगा। दोनों का रेशियो क्या होगा, इधर ये आपका क्या है दूध है, ये पानी है, और बीच में मिश्रण का मूल्य है, ये लिखना होता है। तो रेशियो हो जाएगा कितना, काटेंगे तो ये 8:1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी मिलाया हुआ है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि बने मिश्रण में पानी 20% हो जाए। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो चीज मिलाया जा रहा है बस उसका परसेंटेज नहीं लेंगे, यही नियम पे बनाएंगे। तो 40 लीटर इधर दूध है और पानी इसमें 10% मिलाया हुआ है, तो यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण 40 लीटर है, तो दूध कितना है, 90%। अब अगर कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए, तो अब मेरा दूध कितना बच जाएगा, 80% 40 में। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ओ सॉरी, थोड़ा सा ये मिश्रण मेरा कितना होगा वो नहीं पता है, तो टोटल मिश्रण ही लिख लेते हैं। तो मिश्रण अब एक से उसका 80% है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 40 × 80, 2 बचेगा, और 45 × 90, तो एक्स का वैल्यू आ गया 45। तो एक्स पहले 40 लीटर था, 45 लीटर हो गया, मतलब कि पानी कितना मिल गया है, 5 लीटर और मिल गया है, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कि विक्रेता 18 लीटर दूध खरीद कर कितना लीटर पानी मिलाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने के बाद भी 16.2/3% का लाभ हो। तो जब किसी पदार्थ को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है, मात्रा लीटर केजी में कुछ भी दिया हो, तो पानी मिलाने के बाद, मान लेते 18 लीटर दूध यहाँ किसी भी भाव से खरीदा गया, कुछ उसमें पानी मिला दिया गया, और जितना में खरीदा था उसी भाव से बेच दिया, पानी का कीमत उसका लाभ हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा, इसको हम इस ट्रिक पे बनाएंगे, मूल तरल और नीचे हो जाएगा मिलाया गया तरल, मिलाया गया तरल बराबर क्या होगा, 100/R, ये टोटल फॉर्मूला हो गया, मूल तरल मिलाया गया तरल बटा 100/R। तो मूल तरल कितना है, 18 है, मिलाया गया मान लेते हैं एक से, ये 100 रहेगा, R यहाँ पे जो प्रतिशत लाभ हो रहा है वो बिठाएंगे। तो 16.2/3 को तोड़ते हैं तो ये 50/3 आता है, तो यहाँ 50/3 लिखेंगे तो 3 ऊपर गया, 50 × 100 हो गया, 3 × 6 = 18 हो गया, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो
तो जो पानी मिलाया गया था उसकी मात्रा कितना है? 3 लीटर है। तो ये हुआ आज का मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, जो भी डिस्कस हुआ है ट्रिकी मेथड से हुआ है, आप इसको देख लीजिए, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन और बेहतर तरीके से भी बताया जाएगा। तो चलिए, आज का काम खत्म हुआ, अब आइए इधर। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने ग्रुप में यथासंभव शेयर करिए। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड। इस पर अभी फ़िलहाल BPSC और NTPC का सेट है, टोटल दोनों फ्री है। और भी बहुत सारा आपको रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा, रोज का करंट अफेयर मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐप के साथ आप हमारे वेबसाइट jnledu.in पे जाकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।